वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि हम सलवार का सिंपल सा पोचा कैसे बनाएं, तो ये बिगनर्स के लिए यूजफुल टिप्स होने वाला। तो चलिए, पहले हमने इस टाइप से एक कपड़ा कट किया हुआ है, इसमें हम पहले अपने बकरम को अटैच कर लेंगे। तो पहले हम बकरम को अटैच कर लेते हैं। आप जितना साइज का रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, और आप जितना चौड़ा लंबा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। पटियाला है इसलिए उसका थोड़ा पोचा कम ही रखते हैं। तो चलिए पहले हम साइड से इसको स्टिच कर लेते हैं इस टाइप से। तो पहले हम एक सिलाई लगा के इसको कच्चा सिलाई से स्टिच कर लेंगे। तो वो सिलाई से हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम पूरे पे कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पे कच्चा सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। अब हम इसको अटैच करते हैं पोचा में और फिर डिजाइनिंग एक सिंपल सा बनाएंगे। ये हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे का पोचा लिया सलवार का एक पार्ट। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेंगे। डालने के बाद हम एक सिलाई इसमें इस टाइप से लगा लेते हैं। तो चलिए वो सिलाई लगाते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम इस सिलाई को लगाएंगे। तो हमने इस टाइप से कच्चे सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, एक्स्ट्रा वाले धागा को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। तो पलटना है कैसे वो देखिए। तो कुछ इस टाइप से हमें पलट लेना है ये। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग बनाएंगे। तो आपको जो डिजाइनिंग बनाना है वो बनाइए। तो उससे पहले हम एक सिलाई नीचे और एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे, उसके बाद हमें डिजाइन बनाना है। तो चलिए, कुछ इस टाइप से हम पीछे की साइड से इस टाइप से हमने रख लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल सफाई से इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो चलिए, ये सिलाई को कुछ इस टाइप से हम लगा लेते हैं। तो हमने एक सिलाई पहले अच्छा लगा लिया है कुछ इस टाइप से। अब एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग बीच में बनाएंगे। ये एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है, बिगनर्स के लिए हम बता रहे हैं। जिनको आइडिया नहीं हो वो इस टाइप से बना सकता है। तब चलिए, एक सिलाई और हम दूसरा वाला लगा लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से सफाई करते हुए लगाना है। दूसरा वाला सिलाई को लगा लेते हैं। इस टाइप से हमने एक सिलाई नीचे और एक सिलाई ऊपर लगा लिया है। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, उसके लिए पहले हम बीच में कुछ इस टाइप से एक लहरिया बनाएंगे। तो चलिए, हम बीच से स्टार्टिंग करते हैं लहरिया बनाना। एकदम हल्का सा बनाएंगे, ज़्यादा लहरिया नहीं बनाना है। तो हमने कुछ इस टाइप से एक लहरिया बना लिया। फिर हमें इसके ही जस्ट बगल से एक और सिलाई लगा के लहरिया बनाना है। तो वो भी हम बना लेते हैं। इस टाइप से हमने दूसरा वाला लहरिया बना लिया है। देखिए, कुछ इस टाइप से। अब हमें इधर से कुछ इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो अब वो वाला सिलाई लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर अब हम गोल गोल सिलाई लगाते जाएंगे।
डिजाइन सिंपल में ही काफ़ी खूबसूरत बनेगा, तो इसी तरह हम लगा लेते हैं। तो इस टाइप से सिलाई ये वाला लग गया। अब हम इधर का फिर इधर से घुमाते घुमाते वो लहरिया लगाएंगे। तो चलिए इस टाइप से पकड़ना है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है ये डिज़ाइनिंग बनाना। देखिए कितना सिंपल लहरिया डिज़ाइन हमने बना लिया। ये हमारा फ्रंट साइड वाला है, कुछ इस टाइप से बनने के बाद लग रहा है। ये हमारा बैक साइड वाला है। आप चाहें तो इसमें एक और लहरिया बना सकते हैं, चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिया डिज़ाइनिंग। ये देखिए कितना सिंपल है। अब इसमें हम इसको फिट कर लेते हैं। जितना पे फिट करना है वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। अब इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसको फिट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। अब इसको फिट करके सिलाई लगा देते हैं। स्टेप से हम पूरे को फिट कर ले रहे हैं। स्टेप से हमने फिट कर लिया है। अब एक्स्ट्रे वाले को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रे वाले को कट कर लेते हैं। ये देखिए तो जो एक्स्ट्रा था हमने उसको कट किया। अब इसको हम पलट लेते हैं सीधा साइड से। ये देखिए कुछ इस टाइप का बनकर सामने आया। ये एकदम सिंपल में ही बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब इसी तरह हम दूसरा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दोनों पोंछा बनकर रेडी है, ये आप देख सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो इस टाइप से सलवार का मोड़ी पोंछा बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बना है, फिनिशिंग भी आई है। ये देखिए इस टाइप से पहनने के बाद बिल्कुल खड़ा रहेगा पटियाला टाइप से। तो कैसा लगा फ्रेंड्स हमारे पोछा मोहरी बनाने का मेथड? आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।